तो आज की क्लास में हम नेस्टेड इफ पढ़ेंगे अमिंदर जी। सबसे पहले जानिए कि जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मेरे पास दो कंडीशन है कि 50 से बड़ा और 80 से छोटा होने पे मुझे यहाँ पे 500 की इंसेंटिव यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए यहाँ जनरली हम इफ फॉर्म लगाएंगे कि इफ अगर लेस देन इक्वल टू 50 होगा तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम एंड यूज करवाया था आपके सामने कि एंड, इसको हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहाँ पे वापस मैंने सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80। अगर ये 50 और 80 के बीच में हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। और हम इफ कंडीशन दिए थे और इफ कंडीशन में हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए 500 जो कर दिया। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंडीशन तो है, जैसे कि दो कंडीशन होंगे ग्रेटर देन या लेस देन, लेकिन रिजल्ट जो है एक यहाँ पे एक ही है। रिजल्ट क्या है, एक एक ही है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं यहां पे अगर देता हूं भाई ग्रेटर देन 50 हो, 50 टू 80 के बीच में 500, और लेस देन 50 होने पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 100, और ग्रेटर देन 80 अगर हो तो हमने बोला 200। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि मल्टीपल कंडीशंस में मल्टीपल रिजल्ट आ गए आ गए। जी। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए एंड तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि एंड मल्टीपल कंडीशन तो लेता है लेकिन रिजल्ट एक ही ट्रू फॉल्स देता है। तो आपके पास कई सारे कंडीशन में एक ही चीज शो करनी है तो एंड यूज की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब मुझे मेरे पास अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यूज करूंगा इफ का नेस्टेड फॉर्मूला नेस्टेड इफ। मैंने बोला कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर वापस इफ दिया और बोला ए लेस देन इक्वल टू 80। ऐसा अगर हुआ तो क्या आना चाहिए, 500, नहीं तो 200, और फिर यहाँ पे क्लोज किया बोला नहीं तो 100। अब आप कंफ्यूज होंगे कैसे हो गया, चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पहले पहला इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर जी ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं हुआ तो ये क्या करेगा कि अपना 100 का रिजल्ट शो कर देगा और बाकी को स्किप कर देगा, क्योंकि मेरा दूसरा इफ जो है पहले इफ के टू पार्ट है। तो हर इफ के तीन पार्ट होते हैं, लॉजिकल, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू फॉल्स, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। दूसरा इफ जो है इसके टू पार्ट में है क्या सर, और 100 फॉल्स जी पार्ट में है। अगर यहाँ 50 से ऊपर हुआ तो दूसरे इफ को चलवाएगा, नहीं तो 100 शो करेगा। और दूसरा इफ यहाँ पे आया और चेक किया, अगर लेस देन 50 80 है तो 500 शो करेगा, नहीं तो 200। अब यहाँ पे दूसरा इफ आया अभी तक कंफर्म है कि वैल्यू 50 से ऊपर है, और दूसरे इफ के फॉल्स जी पार्ट में गया तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू 80 से भी ज्यादा है। समझे, जी समझ आएगा नहीं सर। समझ गए सर, समझ गए। ठीक यहां पे हम एंटर प्रेस करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग। लेकिन कंडीशन कब क्या हो और कब, जैसे कि यहां सैटरडे एंड संडे होने पे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑफ या ओपन दिखाया था, राइट। बट इसमें क्या है कि सैटरडे होने पे आना चाहिए एचडी, संडे होने पे चाहिए ऑफ, अदरवाइज ओपन। तो यहां भी हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे करते हैं इफ, इफ में हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर यहाँ सैटरडे है, अब यहां पे इसको सैटरडे मिल गया तो यहीं पे एचडी शो कर दे, आगे इसको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ देन अगला इफ होगा। अब देखिए एंड और में क्या डिफरेंस है, एंड में क्या था कि हम हर दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में डालते थे, क्या जी चाहते थे ना। जी और यहां पे क्या, और में क्या हो गया कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में। ठीक है, अगर यहां पे सिलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू संडे है तो क्या होना चाहिए, ऑफ ऑफ अदरवाइज ओपन।
ठीक है, और इसको हमने ट्राई कर देने की जरूरत नहीं है, ट्राई कर ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अभी तो एक छोटा सा दो इफ के चक्कर में था, अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब जैसे कि मुझे यहां पे चेक करना है कि सारे सब्जेक्ट में अगर 30 से ज्यादा हुआ तो पास लिखा, अदरवाइज फेल लिखा, ठीक है। लेकिन फेल में बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट में क्रॉस लगा, एक सब्जेक्ट का नाम देना है कि इसमें क्रॉस लगा है। तो हर बार अलग अलग दिखाना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले एक एक करके लगाते हैं कि अगर पहला अगर सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो नहीं पास नहीं आएगा, दूसरा चेक करेंगे, दूसरे को सेलेक्ट किया अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो फिर वो तीसरा को चेक करेगा, अगर तीसरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो ये चौथा को चेक करेगा, ऐसे करके वन बाय वन सारे को चेक करेगा। इक्वल टू 40, अगर सारे चेक करने के बाद होता है देन पास होगा, क्योंकि यहां पे पास करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है। पास करने की पॉसिबिलिटी कितनी बार है? सिर्फ एक एक बार है। यहां पे हम लिख दिया 40 द पास। अब यहां पे हम देते हैं कि सब्जेक्ट 4 में हो जाएगा फेल, सब्जेक्ट 4 क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब इसको क्लोज किया एंड कॉमा, अब आगे हम तीसरे पे, यहाँ पे तीसरे पे आ गए, यहाँ पे हमने बोला सब्जेक्ट 3 फेल, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हम आ गए दूसरे इसमें, तो सब्जेक्ट 2 फेल, और फिर हम यहाँ पे तीसरे में आ गए सब्जेक्ट 1 फेल, ठीक है सर। जी अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो 4 ही था, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा हो तब क्या करें? तो इस केस में हम इसको जो है थोड़ा सा ले जाएंगे फॉर्मूला मर्जिंग में, तो आप क्या करें सारे लगाते चले जाए, इस तरह से सारे फॉर्मूला लगाइए कि इफ एक एक करके सब्जेक्ट को चेक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो यहाँ पे तो पास, नहीं तो सब्जेक्ट 1 फेल, ठीक है। ओके फिर यहां पे अगेन इफ लगाइए कि इफ सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो पास, या पास है मतलब पास, अदरवाइज फेल। फिर यहां पे इफ इफ इसको सेलेक्ट किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो पास, अदरवाइज फेल। देखिए फेल जो है, मैं यहां पे फेल सिर्फ दे रहा हूं, मैं सब्जेक्ट नाम नहीं दे रहा हूं, यहां पे हम दे रहा हूं सब्जेक्ट 2 फेल, यहां दे रहा हूं मैं सब्जेक्ट 3 से, ठीक है सर, इधर यहाँ जोड़ी पे आपने सब्जेक्ट 3 में B2 लिया है, वहां पे D2 लेना पड़ेगा। ए आ गया आपका B2, ए गया C2, ए आया वापस B2 ले लिया ना, ये D2 होना चाहिए। तो ये पार्किंग नजर है आपके सर, और यहाँ पे सब्जेक्ट 4 को लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 30 30 तो पास, अदरवाइज सब्जेक्ट 4 फेल, फिर ठीक है। अब इसको मर्ज करना है, तो आप क्या करें यहां से शुरू करें, ठीक है, इस लास्ट से। अब इस इफ को उठाइए और तीसरे इफ जो है उसके जो जहां पे पास है वहां पे डाल दें, बस जहां जहां पास है उस पे डलते चले जाए। फिर आप यहां तीसरा और चौथा को उठाइए, तीसरा और चौथा को उठाइए और कॉपी कीजिए, और दूसरे के ऊपर, दूसरे इसमें जो पास है उसके ऊपर पेस्ट करें, ठीक है सर। जी फिर उसको वापस इसको उठाइए और पहले इसके ऊपर,
ऐसे आपको मर्ज करते चला जा रहा है और पास के ऊपर पेस्ट करते चला जा रहा है। हो गया सर? ठीक अब ऐसे में आपके 10 ईट हो फिर भी आप सही से लगा रहे हैं। अब कई बार है। बच्चे बोलते हैं कि सर आप इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताते हैं, मतलब किस तरह से आप तोड़ के फिर जोड़ना क्यों बताते। सबसे पहले बात यह, हम कई सारे फॉर्मूला लगाने के पीछे रीजन होता है कि हमारे पास कई सारे लॉजिक, कई सारे कंडीशन होते हैं, इस कारण से मुझे कैलकुलेशन करनी हो। लाइफ कभी सिंपल जी नहीं होता है, लाइफ सही बात है। में बहुत सारे जी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी ठीक है सर? तो लाइफ को उसी तरह से आपकी काम में भी सिंपलिसिटी नहीं हो, कई सारे कंडीशन, कई सारे लॉजिक्स होंगे, आप कई सारे कंडीशन, कई सारे लॉजिक को मुझे देखते हुए एक रिजल्ट चाहिए हो, जैसे कि यहां आप देख जी पा रहे हैं। तो उस केस में हमें कई सारे लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप अगर एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा इस तरह के फॉर्मूले पे काम करने के लिए, तो आप डायरेक्ट लगा दें। लेकिन आप बिगनर हैं, शुरुआत हो रही है आपकी, तो कुछ दिनों तक तो आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। हाँ, बात अलग जी है कि आपने अगर बचपन में किलो के हिसाब से बादाम खाया होगा तो मे भी आप डायरेक्ट लगा लें। सही बात ठीक है? जी। आपने खाया है कि नहीं सर बादाम? अभी अभी भी खाता हूँ सर। भी खाते हैं सर? अब खाने से कुछ नहीं हुआ सर। सुबह में हाँ, कल सुबह में वीकेंड क्लास थी तो 7 बजे, 8 बजे थी सर, हाँ 8 बजे। तो एक है 54 साल की एजेड है जो कनाडा से है, उन्होंने क्लास लिया था। है वो ऐसे जयपुर के हैं बट कनाडा रहते हैं, लेदर फैक्ट्री में उनका काम है। तो उनको मैंने एक फॉर्मूला समझाया था, एरे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड नहीं, एरे फॉर्मूला समझा रहा था। हाँ एरे। तो उन्होंने बोला कि यार इसको समझने के लिए तो बादाम खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर 55 साल के एज में बादाम जो है ना, ना ग्राम से ना किलो से, कुंडल से खाना पड़ेगा। बात चलिए आगे बढ़े इसमें। जी। अब इसी में नीचे, अब हमने एन वाला पार्ट किया, अब चलिए और वाला पार्ट करते हैं। ठीक है? अब जैसे कि यहां पे मेरे पास जो है ये दिया हुआ कि पैन डीएल वोटर आई कार्ड यूआईडी, वो यहां पे दिया हुआ। अब मुझे क्या है कि मुझे आईडी प्रूफ का स्टेटस यहां बताना है। अब मेरा कंपनी कहती है कोई भी एक आईडी प्रूफ चलेगा, लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट ज्यादा दिखाने के लिए कई सारे आईडी प्रूफ दे देते हैं। अब किसी ने टीएल भी दे दिया और यूआईडी भी दे दिया, किसी ने पैन भी दे दिया और वोटर भी दे दिया। तो उनका कहना है कि जो दिया है वो यहाँ पे टिक लगा दो, लेकिन शो करो यहाँ पे उसने क्या दिया है। मुझे यहाँ पे डीएल दिया, सबसे पहला डीएल है तो यहाँ पे उसको डीएल शो करना चाहिए। ठीक है? अगर डीएल से अगर कुछ कोई भी नहीं दिया तो पेंडिंग शो करना। ठीक है? तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ, अब यहां पे हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस सब का नाम दे रहा हूं, इसका नाम दे दिया पैन। ठीक है सर? इस तरह से भी किया जा सकता है। डीएल इसका नाम दे दिया मैंने वोटर, तो डीटी कर देता हूँ वोटर। इसका नाम पासपोर्ट, पी ए सर, यहाँ पे ऊपर पी ए, यहाँ नेम बॉक्स दिख रहा है ना सर, यहाँ पे नेम बॉक्स, यहाँ पे नेम दे देता हूँ नेम बॉक्स में, और यहाँ पे इसका यू आई डी कर देता हूँ, यू आई डी। ठीक है? इसी क्या हुआ, हमने सबका जी नाम डिफाइन कर दिया, तो फॉर्मूला लगाने में अब आसानी होगी, फ्रीज बीज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो यहां पे कंडीशन दिया कि इफ, हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहीं पे क्या कर दे, हमें पैन शो कर, दिख गया पैन। अदरवाइज यहां पे हम देते इफ कंडीशन दिया कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहां पे क्या शो करे, डीएल। डीएल अब डीएल जो है वोटर, इसका ये नेम है, मतलब कि हमने डीएल डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं देते कि आप कहीं भी डीएल डायरेक्ट लिख दें। हमने डीएल नाम का रेंज डिफाइन किया हुआ, इसलिए डायरेक्ट देते हैं ए वन बी वन सी वन टाइप का। ठीक है? या फिर आप इन्वर्टर कॉमा भी दे सकते हैं अगर आपको फिक्स है आपका तो। देखिए मैं तो बोलता हूँ जो हेडिंग है वो हेडिंग के अकॉर्डिंग चले। जी देन इफ हमने वोटर सेलेक्ट किया कि अगर ए इक्वल टू
वी यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे शो करे वी टी, क्या शो करे वी टी। देन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू वाई है तो क्या शो करे पी ए, पासवर्ड पे पी ए किया था हमने। देन इफ कंडीशन हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो क्या शो करे यू आई डी, ठीक है, और नहीं तो पेंडिंग करें, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग की चांसेस सिर्फ एक है, और हर इफ अपने पहले इफ के फॉल्स पार, यहाँ एक ही इफ का फॉल्स देना है, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी फॉल्स में ही है। आप देखेंगे ये पहला इफ है, इस इफ का ट्रू पार्ट एरा, सॉरी इस इफ का जो है लॉजिकल टेस्ट ए रहा, और ट्रू पार्ट में मैंने पेन दिया, और फॉल्स पार्ट में बाकी के सारे इफ है, तो इसी तरह से बाकी सारे इफ इस तरह से कंबाइंड है। एंटर प्रेस किया, यस नीचे आ गया, हम नीचे ड्रैग कीजिए, देखिए आ गया। तो इस तरह से हम और का बट मेंटेन कर, पर एक क्वेश्चन है मेरा, उसमें यूआईडी भी यस है तो, बट यूआईडी नहीं आया है। सर का एक सेल पे किसी एक सेल का ही वैल्यू आएगा ना, एक सेल पे इस एक सेल की ही ओके वैल्यू अच्छा आए, समझ में आया, दोनों के लिए कंबाइन करना ओके पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट ज्वाइन लगाना है, तो आपको इसे इफ लगाने ओके की जरूरत ही क्या है। अगर आप चाहते कि सारे कंबाइन होके आ जाए, तो अगर बाकी सब ब्लैंक है, क्या है ब्लैंक है, तो यहाँ सिंपल सा दे दीजिए टेक्स्ट ज्वाइन, क्या दे दीजिए टेक्स्ट ज्वाइन, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे ट्रू, ब्लैंक को स्किप कर देना है और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि इसमें क्या है। हाँ इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ कंडीशन रखना, इफ अगर इफ कंडीशन, अगर ए इक्वल टू तो आई है तो ए शो कर, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक शो कर। आ गया सर, जी टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते ओके नहीं हैं, क्लियर है कोई डाउट इसमें, नहीं समझ आया ना आपको सर। जी अच्छा यहाँ पे एंड और के अंदर में एक और कंडीशन मिसिंग थी हमारी, जैसे मान लीजिए मुझे ओके यहाँ पे दो कंडीशन ही करने, दो चाहिए, दो मुझे यहाँ पे दो आईडी प्रूफ चाहिए, जिसमें से पैन तो होना ही चाहिए, बाकी चार में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, जी तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, एंड में हमने ये लिया इक्वल और यहाँ पे किया वाई, ठीक है, और फिर हमने बोला और का हो, और हमने इसमें से बोला कि दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सेलेक्ट किया कि ए इक्वल टू वाई है, फिर कॉमा उसको सेलेक्ट किया कि क्या ए इक्वल टू वाई है, और फिर इसको सेलेक्ट किया कि क्या इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो दो हमने क्या किया कि जो हमारा रिक्वायर्ड था उसको एंड के अंदर में डाल दिया, जो ऑप्शनल है उसमें से एक चाहिए उसको और में डाल दिया, तो एंड को दो रिजल्ट मिलेगा, एक और देगा और एक जो डायरेक्ट है वो देगा, और दोनों ने ट्रू दिया तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा, और किसी एक ने फॉल्स दिया तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, सर और मुझे इसको अब थोड़ा नेक्स्ट ध्यान आ रहा है कि बोलिए एंड और शायद नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ क्या सर, एंड एंड और नहीं हुआ है सर। एंड और नहीं हुआ है, बता तो दिया एंड नहीं और हुआ आपको है मैंने, एंड और का एक ही यूज होता है, जी तो देखिए यहाँ पे जी यहाँ देखिए एंड का मतलब क्या होता है, दिख रहा है सर ये एंड दिखा, तो एंड के अंदर में एक से ज्यादा कंडीशन डालते हैं, सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स, ठीक है, ठीक है जी सिंपल मेथड है। जी अब उस ट्रू फॉल्स को अपना पास और फेल पे कन्वर्ट कर ले, अगर हम और की बात करें तो और भी सेम तरीके से वर्क करता है, यहाँ देखिए कि आप इसमें कंडीशन दीजिए, तो और क्या करता है कि और को एक भी कंडीशन ट्रू मिल गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो
फॉल्स आएगा। तो होगा। एंड और भी खास नहीं है, समझिए कि एक से ज्यादा कंडीशन डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एंड और तो मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग भी बताया थी आपको, जी याद आया कंडीशन फॉर्मेटिंग? जी ठीक है। ठीक है ठीक है। अब यहां पे एक फॉर्मूला आता है एक्स और का, किसका आता है? लेकिन एक्स और एक्सपोर्ट फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कल बताएंगे कि एक्स और फॉर्मूला क्या है, और एक इसका सटीक एग्जाम्पल बताइएगा जिसका हम ऑफिस में यूज कर सके। ठीक ओके ठीक है, है सर, भेजिए ये फाइल भेजू? सर प्लीज ये फाइल ठीक है, भेजिए। आज की फाइल और रिकॉर्डिंग।